अस्सलामुअलैकुम जी नाज़रीन, मैं सज्जाद जानी, आप देख रहे हैं सज्जाद जानी ऑफिशियल। और नाज़रीन, आज हम आए हैं लाल किला। लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी, हम दिल से गए, हम जान से गए, अब आँख मिली और बात बड़ी। लाल किला रेस्टोरेंट में हम आए हैं, फुल धूप है, अखा नहीं खोल रही हैं। और यहाँ पे लंगर बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे खाबर साहब होते हैं मेरे दोस्त, और ये ऑनर जो हैं ये लाहौर के हैं, भट्ट साहब, अगर हुए तो उनसे भी आपको मिलवाएंगे। और होटल बहुत अच्छा है, दुबई का बड़ा मतलब नामवर होटल है, बूफे सिस्टम, बूहे मियाँ। तो आ जाए, अंदर चलते हैं, ज़रा देखते हैं क्या सिलसिला है। ओए आ आ नादरीन, आ खाबर जी की मैं गल की उन्हें, ओ मरे दे, ओ मिठे, ओ आ की आ, ओ आ की आ, कसमे कैप ना जलो लत्था ही लत्था सी, कैप तो बगैर टोटली फर्क हो गया। दुनिया नूं सर असलियत तल लैणा चाह रहे। जिन्निया मर्जी दलीलां दे जा, सब फिकियां ने। देखो जो फैसलाबाद देख रहे ना, फैसलाबाद कई ऐसे दोस्त ने जिन्होंने 20 साल तो भी इन बगैर कैप तो नहीं देखा। अज मैं दिखावांगा, क्योंकि मेरी मैं तुहानू ओ चीजां विखाउणा जिहड़ियां तुसीं कदी नहीं वेखियां ने। मेरी ते कैप दी छपनी है बगैर उस्ता चलाओ जी, सही खलो, मरना नहीं आउंदा, अगे मरिया नहीं कदी, पहली बारी मरन लगा। अस्सलामुअलैकुम साहब, इमरान भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक नाज़रीन, हम हैं लाल किला रेस्टोरेंट दुबई, और ये कौन सी जगह है? 2nd December Street जुमेरा 1 में। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमारे पाकिस्तानी है ओनर, पाकिस्तानी है ना ओनर? पाकिस्तानी है जी। और यह देखो, एक यह देखो, इन्हू तुम कभी नहीं इतना देखा होना, कसम है ना, ये जो इन्हें कैप पाँगा सिर पर, और कितनी पुरानी पाँगा कि मैं तुहानू दसा कि दाई परेशान सी, यानी बाय बॉर्न कैप पाई है। दाई ने कहा पहले कैप फड़ो, मुंडा मैं बाद च देनी कैप कैप ते अज इहनू कैप तो बगैर तुसीं वेख रहे। मैं इहनू मशवरा दित्ता, मैं कहा यार थोड़े जे वाल, अच्छा तू क्यों नहीं वाल, मतलब क्यों कैप लड़ाई है? नहीं नहीं, थोड़े जे वाल बता के सीधे कर लैन, सीधे करके हाँ बस ठीक है। इमरान साहब आप सुनाएं। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे बुफे सिस्टम होता है? बुफे सिस्टम होता है, बुफे होता है, लंच में भी डिनर में भी बुफे होता है सिर्फ, और
हर किस्म का खाना, पाकिस्तानी, चाइनीज, इंडियन, चाइनीज, सारा सब। और वो नहीं है कभी कली कली चीज दे लेता लेता पैसे वो नहीं, बिल्कुल बफे है जी। और बफे लंच में भी है, डिनर में भी है। कॉर्पोरेट जो है लंच में 39 में सिर्फ हम ऑफर कर रहे हैं, जो कि लाल किला ने स्टार्ट किया था। तो ये यहाँ पे ऐसे साइड पे सारा हमारा लगा हुआ है जी, तो हम विजिट करते हैं सारा। बिल्कुल विजिट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है सारी। तो इसमें फ्राइड फिश है, ओके, हलीम है, बीफ में होती है ये बीफ हलीम, ये हलीम है नाजरीन, बीफ हलीम है, ठीक है जी। और साथ में यहाँ पे चिकन आ जाएगा जी, यहाँ पे अचारी चिकन है, मुर्ग मेथी मलाई है, ब्रेड ये क्या है, मुर्ग मेथी मलाई मसलन, ये मुगलाई आइटम है, चिकन बोनलेस होता है, ओके, उसमें ये बनती है जी, ओके। और ब्रेड नान है, पराठे, डोगरी नान, रोटी, वाह वाह वाह। ये वेज सेक्शन आ जाता है हमारा, ये पनीर है, पनीर टिक्का, चिकन पनीर टिक्का, पनीर में है जी ये, नहीं चिकन नहीं है, नहीं चिकन नहीं है, ये पनीर है, आप देखें ये। अच्छा ये चिकन नहीं है, नहीं ये पनीर का बना हुआ ये वेज। अच्छा जो नॉन वेजिटेबल है, जो वेज है, वेज वेज लोग जो है वो ये सेक्शन सारा वेज वेजिटेरियन का है, ओके ओके, जो ये गोश्त वगैरह नहीं खाते एग्जैक्टली, ओके ओके, ये उनके लिए है। फिर सूप आ जाते हैं हमारे पास, इधर दो सूप होते हैं हमारे पास, एक वेज में होता है, एक नॉन वेज में होता है जी, ओके ठीक है। फिर ये नूडल्स हैं, या पास्ता आ जाता है, रोल्स हैं, ये स्टार्टर्स में जो है लोग। केकड़े टाइप भी होते, केकड़े नहीं तो ये डिजर्ट आ जाता है यहाँ पे सारा, जेली है, पेस्ट्रीज हैं, देसी लोग हैं तो ये आपकी खीर आ गई, फ्रूट ट्राइफल आ गया, ये वाटरमेलन तरबूज आ गया, हलवा हलवा हलवा, ये आपका जी सूजी का हलवा स्पेशल, इसके साथ पूरी और चने, वाह वाह वाह। और ये आपको अभी टेस्ट है टेबल पे करवाते हैं। ये हमारे खान कैसे आप, ठीक है, चले ये चले इधर चले, बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं लंच को अभी। अच्छा जी, अच्छा ये पूरा वो पोर्शन जो था जी, बिल्कुल वो बफे का एरिया था, ये सारा डाइनिंग का, यहाँ पे सिटिंग है सारी, सिटिंग है सारी। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट्स हैं, लंच चल रहा है। कैसे हैं भाई लोग, सब ठीक ठाक, खाना कैसा है, जबरदस्त चले। ओ यार तेरा टैप, तेरा टैप, लेकिन वो मिट्टा जाए चिट्टा रंग देख कैसा, तो बेड़े गर्क कीते हैं अपने। ये टेबल टेबल जाते हैं हमारे क्लास में जाके पोइट्री सुनाते हैं, सॉरी अपने नाम के साथ लिख देना, मेरे दीवार पे पहले तुम ये बात लिख देना, तुम अपने महल में मेरी। सर कैसे हैं, नो नो नो, और है सर, और नहीं नहीं सर, अब बैठे बैठे बैठे, अपने महल मेरे निकाह से पहले, क्या बात है क्या बात है, ये कहेंगे कि मेरे निकाह से पहले तुम ये बात लिख देना, मेरे निकाह से पहले तुम ये बात लिख देना, तुम अपने महर में मेरी हयात लिख देना, तुम अपने महर में हक महर, तुम अपने महर में मेरी हयात लिख देना, मेरी तमन्ना है मैं हो जाऊं तुमसे मंसूख, वाह मेरी तमन्ना है मैं हो जाऊं तुमसे मंसूख, मैं हो जाऊं तुमसे मंसूख, मेरी तमन्ना है मैं हो जाऊं तुमसे मंसूख, तुम मेरा नाम अपने नाम के साथ, वाह 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 वाह, गुड। इस बिल में, इनके बिल में दो तीन मेरे भी लिख देना। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा वैसे एक बात है, आप पाकिस्तान से हैं, लाहौर से? अच्छा यहाँ पे फूड क्वालिटी, चाहे किसी ने एक इतना सा ठेला लगाया हो, वो चने चाट बेच रहा हो, चाहे उसके मुकाबले में कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट हो, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, जो मैंने देखा है यहाँ पे नहीं होता। तो पाकिस्तान में कहते हैं जी गवर्नमेंट ऐसी, गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट ने किया है, ये गवर्नमेंट ने किया है, ये सारा गवर्नमेंट ने किया है, क्या वहाँ पे जो लोग हैं, अगर मैं वहाँ पे एक छोटा सा कुछ रेडी लगाता हूँ, कोई फटा लगाता हूँ, जिस पे मैं कोई समोसियाँ बेच रहा हूँ, या मैं आलू चने बेच रहा हूँ, या मैं चाट बेच रहा हूँ, क्या मैं उसको सिर्फ यहाँ के मयार के मुताबिक नहीं कर सकता? मैं 100% मैं कर सकता हूँ ना, उसमें गवर्नमेंट की जरूरत तो नहीं है कि मैं अपना वो जगह साफ रखूँ, उसको ढांप के रखूँ, उसकी क्वालिटी मेंटेन रखूँ, वो तो मैं कर सकता हूँ ना, कि मैं ये बैठू, ये गवर्नमेंट आएगी तो वो डंडे से ही करवाए तो मैंने करना है। सर लाहौर में काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पर जिस तरह आप कह रहे हैं, इस तरह लोग बड़ी केयर करते हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं, लेकिन बहुत कम रेशो है ना, बहुत कम रेशो। हाँ यहाँ पर जैसा चेक एंड बैलेंस है, जब डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट जो है ना हर चीज़ को चेक करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, ये इनकी जरूरत भी होती है इस तरह का काम कर सकें, ओके। लेकिन पाकिस्तान में चेक एंड बैलेंस नहीं है, लेकिन वो डिपेंड करता है इंसान के अपने खुद
खुद मिलाते हुए, कोई चने लगाए हुए हैं, किसी हलीम लगाई हुई है, अगर वो अपना, लेकिन वहाँ पर जो अवाम है, जो लोग हैं, वो भी उसको पसंद करते हैं। सर मैं बात ये है कि सारी बातें ठीक हैं, लेकिन जो मक्खियाँ मट्टी वो जरा मज़ा ना सर सर जो टेस्ट कसम इतने खाने च है ही नहीं, नहीं सर जो टेस्ट उतने का है ना वो बाकी इतने नहीं सर वो आज तुम इतने का खाना ना किसी रोड पर रख दो दो दिन मिट्टी भी नहीं पैनी नहीं है तो सर थोड़ी गल 100% ठीक है, श्री पावे शावे खाई देने, चने खाई देने, हलीम खाई देने, वो एक तो मसाले असं आप पाने ना राधा तन जो साड़ी दिहाड़ी कुदरती पेंदे ने काफ़ी हो ही नहीं सकते सर यही तो गल की तो लोग पाकिस्तान चलो आते हैं मिठाई के डिब्बे गुलाब जामुन रसगुल्ले इतों नहीं लेंगे वो पाकिस्तान लैके आते हैं इतने इमरान साहब ने इतने होटल सारा देखते हैं होटल मैनू कहते असं जिन्हें मसाले यूज़ करते हैं ना ये असं सारे पाकिस्तान चो मंगाने तो मैं ये नहीं समझ आती उतों खालस इतने आ सकते हैं उत्थे सानू मौत पैंदी खालस बेचद उत्थे यानी अंब देखो साडा अंब टेस्ट उत्थे दा हैगा ना इत्थे टेस्ट पूरी दुनिया दे विच सर मैंगो पाकिस्तानी मैंगो दो चीज़ा पाकिस्तानी मशहूर ने पूरी दुनिया एक पाकिस्तानी मैंगो एक पाकिस्तानी गोल्ड लीफ पाकिस्तानी कसम से सर सऊदी अरब पाकिस्तानी गोल्ड लीफ इदा जिदा अल्लाह माफ़ी देवे पता नहीं कोई नायाब चीज़ है पाकिस्तानी मैंगो भी 100% सही गल है 100% सही गल हाँ जी 100% तो असी वैसे असी इमरान खान कही जाने नवाज शरीफ को कही जाने जरदारी साहब को कही जाने जे असी अद्धा तो आप ठीक कर सकते बिल्कुल कर सकते इतने पाए ना साफ ही साफ सर कपड़े ही नहीं गंदे होंगे अल्लाह की कसमें पाए ना तुम सुबह नवा सूट पा के घरों निकलो दो घंटे बाद घर जाना ना तो पछाने नहीं जाना खास तौर पर वाइट ठीक है मेरी अम्मी मैनू कहती नहीं चिट्टा सूट ना सवाई तू गहरे रंग सवा हाँ इतने सर 10 दिन बाहर फिरते रहो मेरी कोई जरूर नहीं कोई रहने एडा भी वाइफ तो मगर नहीं लगी उनका भाई तू कोई लिया के ना चीज तो मेरे उत्ते सिट दे गंदी होगी मैं ला ला ये 2-4 दिन बाद भाभी ने पता करना उन्हें जान के कोई एवं चार रोड देनी और बदतमीजी नहीं होनी उन्हें शर्ट चेंज करवानी हाँ उन्होंने पता लग गया कि एक गंदी होनी है तो भाई ने लानी है तो लिया उन्हें कोई ना कोई चीज़ ने एवं रोड दया करनी पर सर गल है कि असी पाकिस्तानी पाकिस्तान प्रोग्राम ज़्यादा चलेगा 90% पाकिस्तान तो कहना मैं चाह रहा कि असी अगर अपने अपने काम में थोड़ा जहा मेनटेन करिए ना जेन च रखिए खास तौर पर वो चीज़ा जी फूड जिन्होंने सेहत का तलक है तो मेरा हाल अद्धा पाकिस्तान से दुबई बन जाए गौरमेंट तो बगैर सर इतने सड़क नहीं टप सकते इतने मैं वो जड़े नहीं बने होंगे जेबरा क्रॉसिंग सर तुम भावें मोबाइल से गल कर दो उ तुर पवो 20 करोड़ रुपये वाली गड्डी होवें मजाल आ दी तुम हिट कर जाए थोड़ा साढ़े उत्तर पैदल तुरे जाते बंद हिट करके तो सैड से सिट जाते हैं ताकि अगों वज ना जाए किसी असी भी सेफ्टी करते हैं रोड तो बंदा तुरंत भी नुक्कर मार के सैड तो कर दी सर उ ड्राइवर पाकिस्तान जेडे के जिसका बसा चलाने आलू चने गोल गप्पे गोल गप्पे उन्हें लाए सर टेस्ट उसकी क्वालिटी मैं हमने गालां कढ़दा आया कि उत्थे तैनू मौत पैंदी है बनाउंदे आ अच्छा मसाले भी उत्थों आ रहे ने बंदा भी उत्थों आया तो इत्थे आके बना रहा है तो बिल्कुल ओके हर चीज़ ना उत्थे बनाउंदा सी ते वो टेस्ट ही इत्थे टेस्ट कोई नहीं हाँ जी बस है छोटी जी सोच की गल है ड्राइवर ही इत्थे आके इंसान के पुत्र बन जाते हैं चलाने गड्डी बिल्कुल इशारा लाल होना पहले ब्रेक ला दे हाँ जी इस तरह ही सर फाइन तो देखो अल्लाह माफ़ी देवे आज तो मेरा दोस्त है मतलब कि जमहूरियत नहीं रास सानू डंडा रास है जी अच्छा मैं हिसाब लाया दुनिया च हर अवाम इदा की सारी लेकिन गौरमेंट ने उन्हें 550 रुपया जुर्माना जो पाए मेरे प्यो का जो एक मिसाल आ करोड़ा अरबा रुपये का बिजनेस आ मेरे थले 1 करोड़ रुपये की गड्डी आ 500 रुपया जुर्माना मैं जान के चार भी तोड़ देव मेरे को कम अज कम चुपड़े मार दें फट के हाँ जी मैं इतने कला कला हों शुरता शुरता मुर्गा कला हों कला हों भावें जिड्डी मर्जी वड्डी कंपनी जिड्डा मर्जी कला बना के बंद करा सकता जरूरत नहीं कि 1 लाख रुपया ला तुम
10 रुपए की भी रिश्वत देनी उन्होंने चुके तो जेल च पा देना। सर जी मेरे भरा ने गड़ी ना मेरी गड़ी और रिवर्स गियर लाया पिछले लाइट चल रही लाइट पिछले छोटा खुलता है उन्हें जो छोटे देखा उन्हें फौरन गियर अगला घर आता है रिवर्स नहीं की यानी कि छोटे ने रोक लिया उन्हें कहा तो वो फाइन है उन्हें कहा सर जी मेरी छोटी जी गलती की कहने गलती गलतान हाँ वो गलती हाँ 200 रुपया फाइन करना पड़ेगा 200 फिर भी बहुत रिवर्स गियर हाँ जी। अच्छा इतने एडे जालम ने मेरा एक दोस्त है ऐसा ने कल ना घर गया तो 800 रुपये का चलान आ गया 800 दिरम का इन्हें कहा जी की होया उन्होंने कहा तुम फोन सुन रहे गड्डी फोन सुन रहे इन्हें कहा मैं नहीं सुन रहा उन्हें कहा 800 दिरम दे दियो अगर तुम कहते ना अंतु प्रूफ दईए तो फिर वह 200 दिरम ज़्यादा लगेगा मैं कहा ना इन्होंने दे देना ही प्रूफ वो पाए ना वो वाकई तस्वीर भेज देंगे ने वीडियो तुम बहुत ही शो ही करो ना कि हाँ जी दहाओ जी कितने अगले दहा भी देंगे सारा कुछ तो सर बहरहाल थैंक यू शुक्रिया। और मैं गल है कि साड़ी दुआ है कि साड़ा पाकिस्तान इस तरह का हो असी कि नैगेटिविटी नहीं इतने कर रहे इसे दुख के नाल गल कर रहे कि काश वो भी अलहमदुल्ला पाकिस्तान साड़ा बहुत अच्छा है फिर भी बहुत अच्छा है हाँ जी जिनी मर्जी सफाई इतने सब चीज़ आर्टिफिशियल है पाकिस्तान अल्लाह ताला की नियमता है जेन्युइन चीज़ें है साढ़े को गली च ना इंज ठीपू जहा वाह के दरम्यान जुत्तियां रख के बंदर के लखे लोग फड़ लेंगे उत्तर जिदा मर्जी खेली जो पाकिस्तान इतने कोई आया नहीं कोई चक्कर ही नहीं आया इस तरह का सड़क च खलो के गुड्डी नहीं उड़ा सकते हाँ सही गल कुछ भी नहीं भैन हाँ कोई ना पापड़ा वाला आ रहा ना कोई आलू छोले वाला ना कोई सूढ़ा टुकड़ा लैन वाला आ रहा है बोर जिंदगी कख भी नहीं कसम है कोई ना कोई पैसे धारे मांग रहा यार दही थोड़े पैसे मैं तेनों कल दे दाँगा कोई चक्कर ही नहीं है ना कोई सलंसर दी आवाज़ा ना धुएं बीमार हो गया मैं मुंडा है जनाब नौकरी हेल्पर जो हेल्पर आया बैठो ना बैठ कर हेल्पर आया मेरे को ना तो हफ्ता दस दिन बाद कहता सर जी मैं आवाज़ मैंने कैंसल करूँ ऑफिस जाने का मैं क्यों कैंसल करा कहता जी मेरे कान रिक्शे की आवाज़ ही नहीं आती गई मैं पागल हाँ मैंने कैंसल करूँ हाँ हाँ सही गल एंजाइटी हो जाती है खामोशी कहते जब रिक्शे की गए गए आवाज़ा ना आ मैं तो रह नहीं सकता इतने हाँ सही गल मैं कैंसल किया जाओ मैं कैंसल नहीं किया माँ कहती इन्हें कैंसल नहीं करना और मेरे को टावर है पंजाब इमरजेंसी काम उत्तर छत चलाया कहता मैं छाल मार दी इतने मैंने कैंसल करना कि नहीं करना सही गल रैनको टावर है इतने शेखजा रोड से रैनको टावर उस छत सा काम से ना कहता जी मैं छाल मार देंगे मैंने कैंसल करना कि नहीं करना मैं डर गया मेरा थले भाजी उन्होंने भेज दो उसे सही सही गल नहीं इतने है गल सवेरे सवेरे गली च कोई बुढ़ी निकल के बे भरावान रोकी सब्जी आ लें जरा भरा कोई कोई चक्कर ही नहीं है कोई सिलसिला ही नहीं है इस तरह का इंजॉयमेंट नहीं है कुछ नहीं है लो सर थैंक यू बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया यार खाना आया था खाना कैसा सी बहुत मजेदार मजेदार सी बस ठीक है लो जी इमरान साहब अच्छा जी अच्छा इधर से भी थोड़ा देख लें आप ये वाला ये भी देख वालेकुम सलाम भाई जान की हाल है अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कल्ले बंदे कल्ले बंदे तो बूफे लेके खाऊगा बिल्कुल नहीं पाए ना ज्यादती है जुलम है उन्होंने मरना नहीं नहीं ये जिन्ना भी बूफे कितना वा 50 70 80 कितना 39 सर 29 सर 39 39 रुपए जी 39 ते 39 रुपए ਤੁਸੀਂ सारे 39 च खाओगे जी हां बिल्कुल ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਜੀ ਆ ਪਾਣ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਵਾਰੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਦੁਬਈ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੁਬਈ ਲੱਗਾ ਬੁੱਕ ਬੁੱਕ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਮਾਫੀ ਦਵੇ ਪਾਣੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਧਾਓ ਪੈਸੇ ਡਬਲ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ ਆਹੋ ਓਏ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ 50 ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਪਾ ਜਾਣ 50 ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਵੀ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ ਆਓ ਜੀ अच्छा जी इमरान साहब ये सारा सैलड काउंटर है ओके ठीक है हुम्मस गार्लिक सॉस मलाई सैलड है अमराती सैलड है
देखो कैसे पापड़ी चाट देसी किस्म के दही बल्ले ठीक है चना चाट बंद कबाब बंस रोड के बंद कबाब जी ओके स्पेशली फूड स्ट्रीट है ये ओके और यहाँ पे आपको बंद कबाब मिलेंगे बंद कबाब हैं पानी पूरी है यहाँ पे ये भी अब फ्रेशली जो है साथ में बनता है ये देखिए अभी ये रेडी करेगा एक आपके लिए बना के आपको दिखाता है ये और ये बड़ी फेमस है लोग बड़ा दूर से आके स्पेशली ये बाइक किधर से है फिलिपाइन और इंडिया हाँ जी श्रीलंका तो श्रीलंका तो पाकिस्तान तो जी पाकिस्तान तो सही दस पाकिस्तान केड़ी जगह तो फैसलाबाद ओ मरो फैसलाबाद ओ सही दस सही फैसलाबाद तो उत्थे की काम करता सी उत्थे भी यही करता सी ते उत्थे मौत पैंदी सी इदां दी चीज बनाउंदे आ उत्थे सारा नाकस मिट्टी वालीआं चीजां खपना इत्थे आके डंडा दित्ता अगले ने बना रहे कि नहीं सही हर चीज इत्थे बनाने पैणे जी ते उत्थे भी बना लैंदा उत्थे तुहाडे डर के आंदे ने खाणा की कहंदे सी मिट्टी पा दे विच हां जी दस क्वालिटी भी मजेन च रखी थी मेरा बोली नहीं चाहिए क्वालिटी भी होती बोलन की कोई गल च आ कि देर लगनी तेन अच्छा चल आ जा इधर अच्छा ये हम इनको कहते हैं गोलगप्पे और इंडियन में इनको कहते हैं पानीपुरी कहते हैं पानीपुरी और ये तीन किस्म डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं ये नाजरे देखें ये मीठा है हाँ जी एक मिनट ये मिंट में है ये मिंट में है नाजरे ये इमली सॉस है इमली वाला पानी नहीं मिलता ये इमली ठीक है ये लोग मिक्स भी लेते हैं किसी ने सिंगल लेना है तो वो भी अच्छा जिस तरह का मतलब किसी ने मीठा नहीं डलवाना किसी ने कुछ ओके ओके लाइक नहीं है मीठा नहीं चाहते तो ओके ओके सर ये देखे ना ये जो क्वालिटी है ना जी बिल्कुल यही मैं उधर बात कर रहा था बिल्कुल कि हम चाहें तो हम उधर भी कर सकते हैं ठीक है ना आपने बताया कि जो आपके मसाला ज्यादा सारे उधर से आते हैं बिल्कुल सारे तो इसका मतलब है कि यार हम कितने बदकिस्मत है कसम से सही बात है और बस जिम्मेदारी की बात है सास से जिम्मेदारी हमें आ जाए तो डेफिनेटली हाँ जो यार ये जो लोग देख रहे हैं ना जो जो कर सकते हैं यार ये लाजमी करें अपनी हर चीज़ को मेंटेन करें इस तरह कोई जरूरत नहीं है अडीकन की भी कदों गवर्नमेंट बिल्कुल इमरान खान पिछों सोटा मारे फिर ही सफाई करनी बिल्कुल सही बात है यार नाजर ही ना इधर चेक करो ऐ बड़ा नैश करैक्टर है जान के चुप करके ना अपने बॉस के सामने खलोता है अल्लाह माफी देवे किधर वो मेरे वाले किधर गए दोवें ये क्या हो रहा है ये जी लाइव कुकिंग होता है आप कहते हैं ना हम हमारी टोटली कुकिंग लाइव है हम पहले से बना के नहीं रखते ओके ये भी आपके सामने नूडल्स रेडी जो है वो चाउमीन रेडी कर रहा है यानी हर चीज जो है ये लाइव उसी वक्त लाइव बननी बिल्कुल लाइव यानी के पहले हम ये ओ आबू आबू जो करके रहा है बिल्कुल भी नहीं होगा तो उस तो बाद ला के दे जिस तरह हमारे ना बारबेक्यू 70% वो करके साइड पर रख लेते हैं बाद में हल्का सा गर्म किया वो उसका टेस्ट ही नहीं रहता टेस्ट चेंज होता है सही बात तो इसलिए फ्रेशली चीजें उसी टाइम बनेंगी और इसमें सर्व होगा अच्छा यहां पे ज्यादा आपके जो है ना वो पाकिस्तानी लोग आते हैं मैंने देखा पीछे मैं आपको दिखा दूं ये खीर बन रही है ये वाली ये फ्रेश खीर है डेली बनती है ये रात को रात के लिए चल जो है वो चलेगी ओके तो ये इसका टाइम क्या है टाइम टेबल मतलब लंच जो है वो 12:30 to 3:30 है 12:30 to 3:30 तक लंच हाँ जी उसके अच्छा। बाद फिर क्लोज कर देते हैं हम फिर 7 बजे डिनर के लिए ओपन करते हैं 3:30 आप क्लोज कर देते हैं जी 3:30 लंच क्लोज हो जाता है नहीं लंच क्लोज होता है रेस्टोरेंट भी क्लोज हो जाता है ओके रेस्टोरेंट भी क्लोज
और 3:30 तक जो गेस्ट बैठे हैं वो अगर 4 बजे तक बैठेंगे तो हम उनको तो जब जाएं, हाँ, बस जब तक वो अपना खाना फिनिश नहीं करते okay. उसके बाद 7 बजे हमारा डिनर स्टार्ट होता है okay. 12:00 बजे तक okay. तो ये जो है उसमें वीकेंड्स के ऊपर हमारे 2 स्लॉट्स चलती हैं okay. रश ज्यादा होता है okay. 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, फिर 9:30 से 12:30 बजे तक ओके. तो उसमें शिफ्टिंग में लोग आते हैं और उस चीज को करते हैं. सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह. डाइट पे हैं आप शायद? अच्छा ठीक. अच्छा जी बात ये है नाजरीन, मैं एक बात एक रेफरेंस के लिए कहना चाहूँ, मैं एक बात कहूँगा आपने बताना है कितने परसेंट ठीक है वो ओके. मैं एक बात मैं ही करूँगा, आपने सिर्फ ये बताना है कि मैं कितना ठीक कह रहा हूँ उसमें. मैं यहाँ पे 1 महीने से हूँ ठीक है जी, सारी ज़िंदगी पैदा पाकिस्तान में, आप भी पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं. बहुत अच्छा लगा, सब कुछ बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक माँ होती है ना, जैसे माँ गरीब माँ होती है जिसके बच्चे के पास ना अच्छे कपड़े होते हैं ना जूती होती है ना तालीम अच्छी दे सकती है, वो जब किसी अमीर के बच्चे को देखती होगी तो उसके जहन में आता होगा कि काश मैं अपने बच्चे को ये सूट पहनाऊँ, काश मैं भी अपने बच्चे को इस तरह की तालीम दिलवाऊँ, मैं भी अपने बच्चे को ये जूती पहनाऊँ, मेरा बच्चा भी ऐसे खुशहाल हो जी. बिल्कुल. इस तरह यहाँ आके मुझे दुबई देख के अपना पाकिस्तान याद आता, बहुत अच्छा है सारा कुछ, लेकिन दिल में ये आता है कि काश मैं भी इस तरह अपने बच्चे को कराऊं, मैं भी अपने पाकिस्तान में ये करूं, मैं मेरे पाकिस्तान में भी ये हो. क्या आप एग्री करते हैं कि इस तरह हर पाकिस्तान की फीलिंग होती है? बिल्कुल, उस माँ की तरह. बिल्कुल, सब पाकिस्तानियों का हक है कि वो उनको पूरी फैसिलिटी ये सोचना चाहिए मिलनी चाहिए. बिल्कुल मिलनी चाहिए, और वो देख के तो ये दुआ करें अल्लाह से कि या अल्लाह हमें हमारे पाकिस्तान में भी ये सब हो, और सर इंशाल्लाह ताला होगा, लाजमी होगा. हाँ, और फिर अभी ये लोग उधर आए ना, अरबी उधर आया करें कि यार पाकिस्तान की फलां जो जगह वो देख रही है. अंब तो साडा सर मशहूर है पूरी दुनिया. बिल्कुल, वो तो अभी लोग अंब रख देना, लोग आलू रख देना, अभी अंब रखे दुनिया ने. बिल्कुल ठीक है ना, तो अंब हो गया, पाकिस्तानी सिगरेट हो गए गोल्ड. बिल्कुल पीते हैं आप? नहीं, वो फिर की पैदा आप पीते हैं, ये पीते. पाकिस्तानी गोल्ड लीफ की अहमियत है? अच्छी गोल्ड लीफ है, सिगरेट अच्छा है वो. सारो उठो सिगरेट में 200 रुपए की डब्बी लेना, वही डब्बी मैं इथों ले आई, मैंने 1200 रुपए की मिली. मोस्टली दोस्त आंदे ने पाकिस्तान ते वो आके इधर जदों आंदे ने देखदे उनां दे बैगां दे विचों. आप यहां पे लाल किला में पहली बार आए हैं? फर्स्ट टाइम आए हैं. आप दोनों भी? नहीं नहीं, ये भाई फैमिली के साथ पहले आते रहते हैं. आते रहते हैं. खाना कैसा है यहां का? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है. लगता है पाकिस्तान में बैठे किसी रेस्टोरेंट में. मैं आते हुए भाई को बोल रहा था कि यार सेम पाकिस्तानी फीलिंग आ रही है सर. मंदी खादी पूरी फैमिली पाकिस्तान? मंदी खादी तो नहीं, अभी ट्राई करेंगे. जिंदगी च नहीं ट्राई करनी, जिंदगी च नहीं करनी ट्राई. तुसी इदां दे खाने थोड़े जे चटपटे ये वो को थोड़ा ये पसंद है या फिक्के पसंद ने? नहीं नहीं चटपटे. पॉइंट फिर तुसी मंदी जदों खानी है ना जी जी, तुहानू मेरी इह गल याद आएगी कि तुसी कहना काश मैं ना खांदा. सही सही, ए हुण खवाउणी तुसी भाई. चलो मैं आपका नाम क्या है? अफाक अहमद. अफाक, अफाक भाई नू मंदी खवाउणी है ते तुसी फिर मैनू उत्थे याद करांगे डेफिनेटली, क्योंकि कख नहीं ਉਹ ਪੰਟੀ ਇਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਏ ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਆ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ. ਦਲੀਆ ਕੀ ਫਿੱਕੀ? ਫਿੱਕੀ ਐਨੀ ਫਿੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਸਹੀ ਹੋਏ ਸਾਦਾ ਸਾਦਾ ਭੈਣ, ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਪੇਟ ਭਰਨਾ. ਸਹੀ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਣਾ. ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਹਾਂ, ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਓ. ਹਾਂਜੀ मगर ना लगना. मैं दसा, हाँ तुम खाना खाओ होर पाकिस्तानी बहुत रेस्टोरेंट ने उतो खाओ. ठीक है ना, मंदी जो खाधी ना तुम मैं याद जरूर आवांगा. अफाक भाई देखना. सर बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपका, बहुत शुक्रिया. खावर भाई बहुत शुक्रिया. कोई वैसे मजाक करता हूँ, ये मेरा भाई है, मजाक तो करता हूँ लेकिन हकीकत ये है कि मैंने पहली बार लाइफ में इसको कैप के बगैर देखा. अच्छा, ये और ये पाकिस्तान में भी बहुत से लोग होंगे जिन्होंने देखा होगा. देखा होगा, सही बात है. जिन्हें सानू किसी ने नहीं टीवी पे देखा, सिर्फ इन्हें आकर देखिएगा. ले सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी. और मैं डाइट पे हूँ इसलिए मैं कुछ ज़्यादा खा नहीं रहा, क्योंकि शायद आप कभी गौर करें कि मेरा पेट और ये वो कम हुआ है, वरना वीडियो में भी मैं लगता हूँ. ऑन वीडियो कम सर, रात को रोज़ स्विमिंग, जिन्हें दौड़ रात को दौड़
कले ना अपने आप ना सर एना और खाना घट और मैं 75-76 तक वेट लैके जाना हाले मेरा 87-89 सी 87 रह गया 2 किलो 15 दिन घटाया 3-4 किलो और घटा मैं इंशाल्लाह ताला ओके सर थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया आजे जी ओके अफाक भाई थैंक यू लेजी नाजरीन कभी आप यहाँ पे आए तो यहाँ का खाना जरूर ट्राई कीजिएगा लाल किला का और ख़ास तौर पे वो पाकिस्तानी हजरात हमारे या इंडियन भी हों जो जो लाइक करते हैं पाकिस्तानी फूड इंडियन फूड जो थोड़ा तेज़ मिर्ची मसाले लेकिन क्वालिटी ज़बरदस्त वाला ये नहीं कि तेज़ मिर्च मसाले हैं तो वो नाकस चीज़ें नहीं वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी कोई ये वो बात लेकिन टेस्ट के लिए अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ लाल किला में इमरान भाई को अगर आप आके ये इमरान भाई मैं जहाँ भी जाता हूँ ना जी मैं ये कहता हूँ कि भाईजान अगर कोई हमारा आए ना ये बताए कि जी हमने जानी के शो में आपको देखा था ये रेस्टोरेंट तो इसलिए हम आए हैं तो उसको आपने डिस्काउंट करनी है जरूर जी मोहब्बत करनी है ऑन रिकॉर्ड में कहते हो जब भी कोई आके जानी भाई का नाम ले यस जब आप आके कहना जी कि हमने जानी भाई के शो में ये रेस्टोरेंट देखा था और हम पहली बार आए हैं और इसलिए हम आए हैं तो इमरान भाई से कहिएगा ये आपको डिस्काउंट जरूर की मोहब्बत जरूर करनी है जरूर इंशाल्लाह जी सर बहुत शुक्रिया ले जी थैंक यू बाबर भाई थैंक यू सो मच ओके जानी ओके थैंक यू अल्लाह